Dusty, thank you. चलिए, आवाज आए या ना आए, माइक से तो मेरी आवाज बहुत जबरदस्त है, क्लास तक पहुंचेगी। सुनिए, अब मैं जिसको बुलाना चाहूंगी वो है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से वैभव वर्मा। हाथ टूटने तक तालियां तालियां। शिक्षकगणों को मेरा सादर प्रणाम और सभी सहपाठियों को मेरा अभिनंदन। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें काफ़ी प्रेरणादायक बनाती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ कर मैं आप कुछ अलग एक वाक्य इनका बताने जा रहा हूँ जो प्रेरणा दे या ना दे, प्रेरणा तो देगी लेकिन काफ़ी सहज सीखने वाली बात है। कैसे हम किसी का आदर कर सकते हैं, कैसे किसी को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, किस हद तक दे सकते हैं, इस बारे में मुझे एक वाक्य याद है इनका जो मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था, जो आप समझ लें कि 25 की उम्र में इन्होंने अपना भगवत वस्त्र धारण किया, साधु बन गए, सन्यासी बन गए, सन्यास के लिए। उसके बाद इनके जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण, उनको कैंसर था, सबको पता है ये बात, उनको कैंसर था जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो जिस समय उनको कैंसर था वो बेड पर थे, उनकी काफ़ी हद तक सेवा स्वामी विवेकानंद जी ने की है, और एक बार की बात थी वो वहाँ पे नहीं थे, किसी और ने मतलब उनको देख के घृणा की। क्यों? क्योंकि परमहंस जी को खून की उल्टियाँ होती थी, उनको कफ होता था, वो साफ सुथरा तो बिल्कुल कर नहीं पाते थे, तो इससे कहा उनके सहपाठी थे उन्होंने घृणा किया था। तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो जो गमला होता है जिसमें उनकी खून की उल्टियाँ थी और कफ थे वगैरह वगैरह, उसको उठा कर वो पी गए। तो रेस्पेक्ट अगर सीखना है तो स्वामी विवेकानंद जी से हम लोग सीख सकते हैं कि किस हद तक उन्होंने किया था किसी चीज़ का रेस्पेक्ट, किसी व्यक्ति का रेस्पेक्ट, किसी ऐसे इंसान का रेस्पेक्ट जिससे उन्होंने कुछ सीखा। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि कभी मौका मिले किसी भी हद तक जाने का अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, मैं भी वो रेस्पेक्ट देना चाहूँगा। सादर प्रणाम। मैं चाहूंगी पहले तो जोरदार तालियां वैभव के लिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, और जिनके पास माइक है उनसे भी बेहतर उन्होंने बताया और एटीट्यूड भी बहुत अच्छा था। चलिए, अब मैं चाहूंगी अविनाश इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हैं वो आए और अपने वक्तव्य के द्वारा required to any short for introduction.
So Vivekananda was a great philosopher, writer, patriot, and religious, you can say, spiritual leader and a Hindu monk. He was born on 12 January 1863 at Kolkata, and his birth name was Narendranath Datta. His father, Vishwanath Datta, was an attorney at the Calcutta High Court, and his mother, Bhuneshwari Devi, she was a spiritual lady. So his parents played a major role to shape his thinking and personality. His guru was Sri Ramakrishna Paramahansa, and on 1897 he founded a Ramakrishna Mission in the name of his guru. So after the death of his mentor, he attended the session of Chicago Parliament of Religion in 1893, and where he gave a very memorable speech which made him very famous worldwide. So he influenced many millions of people, not only in India but also globally. So Vivekananda, he is and he will always remain an inspiration of youth of the world. And I want to conclude my speech, and at last I would like to give one quotation on famous life given by Vivekananda. Life should not be long. Life should not be long, it should be great. जीवन बड़ी नहीं होनी चाहिए, जीवन महान होनी चाहिए।